मंडी के बालघाटी सुकेती खड्ड में अवैध खनन पर जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यहां पर 6 जेसीबी और टिप्पर 4 ट्रैक्टरों को कब्जे में लिया है। खनन माफिया पर इस साल की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। एसपी मंडी ने डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी शहर तथा बाल थाना और लाइन के 60 जवानों के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला पुलिस द्वारा दल बल के साथ की गई इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। सुबह के समय योजनाबद्ध तरीके से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गत दिनों क्षेत्र में पुलिस टीम की एक गाड़ी खनन माफिया द्वारा सड़क पर किए गए गड्ढों में फंस गई थी। इस दौरान खनन में जुटे हुए लोग गाड़ी सहित फरार हो गए, जिसे पुलिस की यहां पर ये बड़ी फजीयत मानी जा रही थी। एसपी मंडी गुरुदेव चंद शर्मा ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से अवैध खनन के मामले में कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले को 60 जवानों के साथ मिलकर अमलीजामा पहनाया गया। उन्होंने बताया कि आगे भी अवैध खनन पर इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस द्वारा इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए बल पुलिस स्टेशन के एरिया में अलग अलग जगहों पर चेकिंग की गई सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी, और पुलिस ने इस दौरान 6 जेसीबी, 13 टिप्पर और 4 ट्रैक्टर्स को इलीगल माइनिंग करते हुए पकड़ा है और उनके खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उनसे 1,12,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।